25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रखी है। बम्पर ओपनिंग के बाद पठान ने दूसरे दिन यानी 26 जनवरी को भी छप्पर फाड़ कलेक्शन किया। इसी के साथ ये फिल्म हाईएस्ट इंडियन ओपनर फिल्म बन गई। पहले दिन पठान के हिंदी वर्जन ने 55 करोड़ रुपए कमाए और दूसरे दिन रिकॉर्ड तोड़ 70 करोड़ रुपए की कमाई की। पठान ने दो दिन में 120 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। किंग खान और उनके फैंस के लिए पठान का सुपरहिट होना किसी ट्रीट से कम नहीं है, लेकिन शायद अभिनेत्री कंगना रनौत को पठान की सक्सेस रास नहीं आई। उन्होंने पठान की सक्सेस पर तंज कसते हुए फिल्म को एक बार फिर धर्म से जोड़ दिया। कंगना ने ट्वीट करते हुए लिखा, पठान सिर्फ एक फिल्म हो सकती है, अंत में गूंजना तो यहां जय श्री राम ही है। कंगना ने लिखा, जो लोग पठान को नफरत पर जीत का दावा कर रहे हैं, मैं इससे सहमत हूं, लेकिन किसके प्यार के ऊपर किसकी नफरत, कौन टिकटें खरीद रहा है और कौन इसे सक्सेसफुल बना रहा है। हाँ, ये भारत का प्यार है जहां 80% हिंदू रहते हैं और फिर भी एक फिल्म जिसका नाम पठान है उसमें हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान और आईएसआई को अच्छा दिखाया गया। वो फिल्म सक्सेसफुली चल रही है, ये भारत की स्क्रिप्ट है, बिना किसी नफरत और जजमेंट से परे, जो देश को महान बनाती है। ये भारत का प्यार है जिसने नफरत और दुश्मन की ओछी राजनीति पर जीत पाई है। कंगना रनौत आगे लिखती हैं, लेकिन उन सभी लोगों के लिए जिनकी उम्मीदें हाई हैं, पठान सिर्फ एक फिल्म हो सकती है, गूंजेगा तो यहां सिर्फ जय श्री राम। एक्ट्रेस ने अपने ट्वीट में पठान के लिए सही टाइटल नेम भी सुझाया। उनके मुताबिक फिल्म का नाम इंडियन पठान होना चाहिए था। कंगना ने लिखा, मुझे यकीन है भारत के मुस्लिम देशभक्त हैं और अफगानी पठानों से अलग हैं। भारत कभी अफगानिस्तान नहीं हो सकता। हम सभी को पता है कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, ये नर्क से भी परे है। इसलिए फिल्म पठान के लिए उसकी स्टोरी लाइन के मुताबिक सही नाम इंडियन पठान होता। इस बीच पठान लगातार अपने सक्सेस को छू रही है और इस बीच अभिनेत्री कंगना रनौत ने इस फिल्म को धर्म से जोड़ दिया है। इस फिल्म में उनके बयान को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।